प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर आज भीम सेना के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ आज एक सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता धरने पर बैठी है। उसकी मांग है कि उसके साथ समुदाय के चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। एक आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन तीन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। पुलिस से शिकायत की है, लेकिन अभी तक बाकी के तीनों आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दुष्कर्म पीड़िता आज अपने परिवार के संग धरने पर बैठी है और मांग कर रही है कि दुष्कर्म के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जनपद संभल के एक गांव के रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के सड़थल में अपने पिता व भाई के साथ मेला देखने गई थी। पीड़िता का आरोप है कि मेला देखने के दौरान वे अकेली घूम रही थी, तभी वहां मौजूद शमीम पुत्र मकसूद, आविद पुत्र छोटे व दो अज्ञात व्यक्ति पीड़िता का अपहरण कर अपने साथ ले गए। पीड़िता के परिजनों ने काफी प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मिली। पीड़िता का आरोप है कि अपहरण करने वाले लोगों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया है, जिसको लेकर उन्होंने थाने में तहरीर दर्ज कराई। तब पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी आविद पुत्र छोटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन तीनों आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। आज सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता जिलाधिकारी कार्यालय पर अपने परिवार के संग धरना प्रदर्शन कर मांग कर रही है कि बाकी के तीनों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पर अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़िता द्वारा धरना प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज है, एक आरोपी जेल जा चुका है, चार्जशीट कोर्ट में भेजी जा चुकी है, बाकी जांच अभी जारी है। मुझे चार लड़के उठा के ले गए और मुझे 6 दिन तक रखा, नशे की हालत में जक्सल लगा के और मेरे साथ गलत काम किया, मेरे कपड़े उतारे, फिर भी हमारी कहीं भी हर जगह घूम आए, हमें मारते हैं तोड़ते हैं और हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हम यहाँ पे आए और हमें यहाँ न्याय नहीं मिला, और अगर मुझे न्याय नहीं मिला, आरोपी कड़े गए तो मैं अपनी आत्महत्या करके यहीं मर जाऊंगा, यहीं मर जाऊंगा, नहीं तो मुझे न्याय देगा। रात के ताई चढ़ाए चार लड़के थे। कब कब का मामला है आपका? 9 तारीख का। अच्छा, कौन लोग है वो? वो दो मोमदान है, वो लोग कितने लोग हैं? चार लड़के हैं वो। क्या कहते हैं? चार लड़के हैं, दो लड़कों को मैं जानती हूँ, दो को नहीं जानती हूँ। और उन्होंने ही मेरे साथ ये कुछ किया, उन्होंने किया है और मुझे धमकी दिया, मुझे गोली से डराते थे, इसलिए चिल्लाए नहीं कि किसी को बुलाने ले। और मुझे जब भी छोड़ के गए, इतनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, नशे की हालत में, जब मुझे होश आया तो मैं भाती पुलिस चौकी में, जब मेरे मम्मी पापा सब आ गए तांडा अंडे में, एचोली के रहने वाले हैं, हाँ तांडे के पास में एचोली है। तो ये यहाँ पर धरने में बैठे थे, क्या थाना बिलारी पर मुकदमा अपराध संख्या 137/2022 पंजीकृत हुआ था। इसकी प्रारंभिक विवेचना थाना तत्कालीन थानाधिकारी देश दीपक द्वारा की गई थी, वहां से स्थानांतरण होकर मेरे पास आई थी। इस अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जा चुका है, आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है, जो इस संबंध में देय है उनका भुगतान कर दिया गया है। दूसरे अभियुक्त के संबंध में कार्रवाई प्रचलित है, पुलिस अधीक्षक संभल को भी उसकी गिरफ्तारी के संबंध में लिखा जा चुका है, थाना हयात नगर के पुलिस जो थाना प्रभारी उनको भी लिखा जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों के कारण थोड़ा सा बाधित है, जैसे पूर्ण होगा दूसरे के प्रति भी कठोर कार्रवाइयां करके तत्काल विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कर दी जाएगी। आज ये लोग यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर क्यों बैठे? इनका बेसिक आशा ये है कि ये कह रहे थे चार लोग हैं, दो अज्ञात हैं, सारे लोग मौजूद हैं, आप लोग भी मौजूद हैं। पीड़िता जिस तरीके से अगर कोई किसी के विरुद्ध साक्ष्य लाएगी या प्रकाश में लाएगी तो 100% उसके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कौन लोग हैं वो? ये तो पीड़िता या उसके आसपास के लोगों के द्वारा जानकारी हो सकती है। पीड़िता 5 दिन तक उन लोगों के साथ रहना बता रही है, तो पर्याप्त रूप में उनके संबंध में जानकारी है। मैं आप लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि एक बार जो जहां का पता लगा बता रही है उस संबंध में भी जानकारी कर ली जाए, जिससे कि सबको न्याय मिल सके। आप इनसे क्या बातचीत हुई है? हमारी इनसे बात ये हुई है कि आप एक एडवोकेट ले आइए, मेरा जो कथन है वो बेटर तरीका ये है कि न्यायालय में दाखिल मेरी चार्जशीट को दिखवा लिया जाए। अगर आपके वकील साहब के स्तर से कोई कमियाँ बताई जाती हैं कि जो आपके लिए अच्छी ना हो, मैं उनकी पूर्ति कर दूंगा, मेरे समझ में कोई कमी नहीं है। तो ये लोग मान गए? बिल्कुल, आपके सामने माने, आपको देख लो, घुमा लो कैमरा।